इस वीडियो में बात करेंगे कोटक नियो के ट्रेड प्री प्रो प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, आपका एमसी चार्जेस। यहाँ पर जो आपका एमसी चार्जेस होगा उसे हम एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं कि आपका जो एमसी चार्जेस होगा कब से और कितना लगने वाला है, आपकी होल्डिंग वैल्यू से क्या डिफरेंट पड़ता है आपकी एमसी चार्जेस पर। साथ में बात करेंगे आपके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में और हिडन चार्जेस के बारे में। तो चलिए कंप्लीट जानकारी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फॉरेक्स का लिवरेज यहाँ पर एमटीएफ मार्जिन में देखने मिलेगा, और वो भी बहुत ही कम लो रेट पर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। कम ब्याज के अंदर आप यहाँ पर एमटीएफ की सुविधा ले सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, तो आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है यहाँ पर आपको कोई जीरो फीस देनी होती है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होती है, कम्प्लीट फ्री आपको दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की और इंटरेस्ट रेट की। तो आपका यहाँ पर इंटरडे के अंदर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है, यानी कि जीरो चार्जेस आपको यहाँ पर लगने वाला। इसके बाद अगर आप बात करें स्टॉक डिलीवरी के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर 0.1% के हिसाब से आपको चार्जेस देना होता है डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर। अब बात करते हैं एफएनडो के अंदर। अगर आप यहाँ पर ऑल कैरी फॉरवर्ड एफएनडो यूज करते हैं, तो आपको 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से आपका यहाँ पर ऑर्डर लगने वाला है। आपको हर ऑर्डर पर 20 रुपए चार्जेस लगेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लिक्विड ईटीएफ की बात करें, तो यहाँ पर आपको डिलीवरी के अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जितना भी लिक्विड ईटीएफ है, ऑल लिक्विड ईटीएफ है हमारा यहाँ पर, उस पर आपको जो चार्जेस देना होगा 0.01% के हिसाब से आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू पर चार्ज किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें अदर ईटीएफ की, तो अदर ईटीएफ है जो हमारा डिलीवरी ट्रेड्स के अंदर, आपको 0.05% के हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू पर ये चार्जेस लगने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी सिक्योरिटीज की। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू चार्जेस लगेगा वो 0.01% के हिसाब से आपका यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरेस्ट और मार्जिन रेट की। तो यहाँ पर जब आप एमटीएफ यूज करेंगे, तो हमने आपको बताया है कि लो रेट है जो इनका वो 9.75% के हिसाब से है, और ये आपका पर एनम के हिसाब से, यानी कि हर साल एक साल में आपको लगेगा 9.7% के हिसाब से। इसके बाद हम बात करें इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस भी। तो यहाँ पर आपको पर डे के हिसाब से 0.049% के हिसाब से ये चार्जेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके सब्सक्रिप्शन प्लान की। तो इस प्लान को चॉइस करने के लिए आपको यहाँ पर 249 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना होता है। ये जो आपका चार्ज होगा ये आपका मंथली चार्जेस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके डीमेटलाइजेशन की। तो डीमेटलाइजेशन चार्ज होगा आपका 150 रुपए पर सर्टिफिकेट, 50 रुपए आपका रिक्वेस्ट चार्जेस यहाँ पर लगने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर रीमेटलाइजेशन की, तो यहाँ पर आपका 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, बॉन्ड्स के हिसाब से, म्यूचुअल फंड के हिसाब से आपको मिलेगा आपके 100 सिक्योरिटीज तक। इसके बाद 100 सिक्योरिटीज से ज्यादा आपका यहाँ पर जाता है तो ये आपको 15 रुपए पर सिक्योरिटीज के हिसाब से पड़ने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की। तो यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया है कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है आपका यहाँ पर टोटल 600 रुपए लगने वाला है, पर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताना जरूरी होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका अगर बीएसडी अकाउंट है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी होल्डिंग वैल्यू 0 से 50K के बीच में जाती है, यानी कि 0 से लेकर 50,000 रुपए तक जाती है, तो आपको यहाँ पर कोई एमसी चार्जेस नहीं देना होता है अगर आपका यहाँ पर बीएसडी अकाउंट होता है। इसके बाद अगर आपकी होल्डिंग 50,000 रुपए से 2 लाख के बीच में रहती है, तो आपको यहाँ पर 100 रुपए प्लस जीएसटी आपको हर साल देनी होती है। फिर भी अगर दोस्तों आपकी होल्डिंग 2 लाख प्लस चली जाती है, तो आपको यहाँ पर 50 रुपए प्लस जीएसटी आपको पर मंथ के हिसाब से पे करनी होती है। इसके बाद जो आपका अकाउंट है वो आपका नॉन बीएसडी के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये बीएसडी और नॉन बीएसडी क्या होता है। अगर आपका अकाउंट बीएसडी के अंदर आता है, तो आपको होल्डिंग पर कम चार्जेस देना होता है, एमसी चार्जेस होता है जो। अगर बीएसडी में जाता है, तो बीएसडी पर आपका वो चार्जेस लिया जाता है जो कि यहाँ पर इन्होंने तय किया गया है। दोस्तों, जो नॉन बीएसडी अकाउंट होते हैं, ये आपके एक डीमैट से ज्यादा अकाउंट वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपको नॉन बीएसडी कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है, तो आप बीएसडी अकाउंट में आते हैं। इसके बाद हम बात करें नॉन बीएसडी क्लाइंट की। अगर आपने पहले से कोटक नियो के अलावा अगर आपने किसी डीमैट अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप यहां पर नॉन बीएसडी अकाउंट के अंदर आते हैं, चाहे आपकी होल्डिंग 2 लाख प्लस ही क्यों ना हो। तो यहां पर जब आपके नॉन बीएसडी के अंदर आएंगे, तो आपको 0 से लेकर 1,000 रुपए तक की होल्डिंग अगर आप कोटक नियो के अंदर रखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो एमसी चार्जेस है वो थोड़ा घटा दिया जाता है, यानी कि 0 चार्जेस कर दिया जाता है। वो डिपेंड करेगा जब तक आपकी 1,000 रुपए होल्डिंग नहीं होती है। अगर आपकी होल्डिंग 1,000 रुपए प्लस जाती है, तो आपको यहाँ पर इसका पूरा चार्जेस देना होता है, जो कि हमारा 50 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ के हिसाब से लगेगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इनके टैक्स के बारे में।
यहाँ पर आपका जो टैक्स होगा कुछ इस तरह से होने वाला है। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी के बारे में बात की जाए तो इक्विटी में आपको एनएसएल बीएससी के अंदर यह चार्जेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एनएससी के अंदर 0.003375 के हिसाब से चार्जेस लगेगा, जो कि आपको यहाँ पर बीएससी में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। बीएससी में आपको 0.00375%, और इसके अंदर आपको एसटीटी चार्जेस है वो आपको बूथ साइड लगेगा, यानी कि बाई और सेल दोनों साइड पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका जो चार्जेस होगा वो 0.1% के हिसाब से लगने वाला है। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सिटाम चार्जेस होगा वो आपके बाई साइड पर मेंशन किया जाएगा, जो कि आपके 1500 रुपए पर करोड़ के हिसाब से लगेगा। अगर हम बात करें इक्विटी इंट्राडे की तो इक्विटी इंट्राडे के अंदर आपको जो चार्जेस लगेगा वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस कुछ इस तरह से मेंशन किया जाता है। एनएससी के अंदर आपको जो चार्जेस है वो 0.00375%, और बीएससी के अंदर आपको 0.0375% चार्जेस लगेगा, और ये आपका जो एक्टिविटी चार्जेस है वो आपको सेल साइड पर लगने वाला है इंट्राडे में। अब जो एक्टिविटी चार्जेस होगा हमारा वो 0.025% आपके सेल साइड पर लगेगा। इसके बाद हम बात करें स्टाम चार्जेस की तो आपको यहाँ पर स्टाम चार्जेस है वो आपका 300 रुपए पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी फीचर और इक्विटी ऑप्शन के अंदर। तो इक्विटी फीचर्स में आपको जो ट्रांजेक्शन चार्जेस देखने को मिलेगा वो बीएससी के अंदर आपको 0 मिलेगा, और एनएससी के अंदर आपको 0.002% लगेगा, और आपका एसटीटी चार्जेस है वो आपका पर एक्सचेंज के हिसाब से सेल साइड पर लगेगा, जो कि आपका 0.0125% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, और यहाँ पर आपका जो सिटाम चार्ज है वो बाई साइड पर लगेगा और आपका 200 रुपए पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है। इसके बाद हम बात करें इक्विटी ऑप्शन की तो इक्विटी ऑप्शन आपको चार्जेस लगेगा एनएससी के अंदर ऑन प्रीमियम पर, तो यहाँ पर आपका 0.050% के हिसाब से चार्जेस लगेगा एनएससी में, और बीएससी में आपको 0.049% के हिसाब से ऑन प्रीमियम आपको बीएससी के अंदर लगता है। इसके बाद एसटीटी की बात की जाए तो आपके एक्सचेंज के डिपेंड करता है कि वो आपको सेल साइड पर 0.0625% के हिसाब से मेंशन करेगा। इसके बाद हम सिटाम चार्जेस की बात करें तो आपको 300 रुपए पर करोड़ के हिसाब से यहाँ पर इक्विटी ऑप्शन में लगने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। दोस्तों जीएसटी आपका जो चार्जेस होगा वो 18% आपको यहाँ पर लगने वाला है, और आपका 18% आपके ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस और आपके सेबी चार्जेस पर भी मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें सेबी चार्जेस की तो आपका सेबी चार्जेस है वो आपका 10 रुपए पर करोड़ के हिसाब से आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू पर लगने वाला है। देखिए अब हमने यहाँ पर ये चीजें तो बात कर ली है, अब बात करते हैं अगर आप यहाँ पर अपने यूपीआई यूज करते हैं तो यूपीआई आपका यहाँ पर टोटली फ्री होने वाला है, चाहे आप इसे फंड विड्रॉल करें या फिर आप यहाँ पर ऐड करें। इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपने नेट बैंकिंग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग गेटवे यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 रुपए प्लस जीएसटी आपका यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर चेक का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक के लिए भी कुछ कंडीशन रखी गई है, जैसे कि चेक प्रोसेसिंग चार्जेस है हमारा वो 50 रुपए प्लस जीएसटी रखा गया है। अब यहाँ पर आपका जो चेक होगा वो आपका डिपॉजिट और विंडो दोनों पर मेंशन किया जाएगा, यानी कि आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी आपका चेक विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों पर मेंशन करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें चेक बाउंस चार्जेस की तो यहाँ पर आपका अगर चेक बाउंस होता है तो यहाँ पर ऑनलाइन में आपको 350 रुपए प्लस आपका बैंक चार्जेस यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन चार्जेस लगाते हैं चेक का तो यहाँ पर आपको 500 रुपए प्लस आपका बैंक चार्जेस मेंशन किया जाएगा। देखिए सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्जेस की। अगर आप यहां पर कॉल के हिसाब से अपना ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहां पर 70 रुपए प्लस जीएसटी आपको यहां पर अपने एग्जीक्यूट ऑर्डर पर देना होता है। ये दोस्तों सारे चार्जेस मैंने आपको बता दिए हैं इस प्लान के। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।